सदगुरु कबीर के नाम पर भी हम यही करते हैं। जिस प्रेम और जिस आदर्श की शिक्षा सदगुरु ने दिया हम उनके नाम पर भी यही करते हैं। थोड़ा सा मान्यताओं में फर्क पड़ा हम आपस में विरोधी बन जाते हैं, हम एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। किसी ने कहा सदगुरु कबीर आकाश से उतरे और किसी ने कह दिया नहीं वो जन्म लिए, दोनों में तलवारें खींच जाती। अब हम ये भूल जाते हैं कि चाहे वो आकाश से आए चाहे जन्म लिए, भाई आए तो धरती पर, और आए क्यों? ज्ञान देने आए, क्यों? प्रेम की शिक्षा देने। वो प्रेम हम ले नहीं रहे, वो कैसे आए इस पर हमारी चर्चा चल रही है। अब हम ट्रेन से आए कि प्लेन से आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम आपके बीच आ गए हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इस पर नहीं सोच रहे हैं। अब आपस में झगड़ा चल रहा है, नहीं नहीं स्वामी जी तो ट्रेन से आए, एक का नहीं प्लेन से आए। अब दोनों लाठी लेके खड़े हो गए, अरे भाई पैदल ही आए क्यों लड़ना, जरूरी क्या है वो समझना है। तो हमारी समस्या ये है कि हम अपने जीवन को दिखाना भी चाहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम लोगों के बीच हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम चोर लुटेरे हैं डाकू हैं, हम अपनी छवि भी सुधारना चाहते हैं, लेकिन हम मन के इतने गुलाम होते हैं कि बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते। लेकिन सदगुरु कहते हैं आप में सामर्थ्य है, आप में शक्ति है, आप चाहें तो कुछ भी छोड़ सकते हैं। गलत आदतों को छोड़ा जा सकता है, बुरी आदतों को छोड़ा जा सकता है। यदि आप नशा करते हैं मांस खाते हैं तो आप विचार तो करिए कि मनुष्य के लिए क्या ये जरूरी है। अरे भाई आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, चाहे वो राम हो कृष्ण हो चाहे हनुमान जी हो, आप श्रद्धा पूर्वक मंदिर जाते हैं भगवान के मंदिर में बढ़े। तो मैंने कहा कि चाहे राम जी का मंदिर हो कृष्ण जी का हो हनुमान जी का हो, हम बड़ी श्रद्धा से पूजा करने जाते हैं चाहे हम कैसे भी हों। और आप देखिए आदमी की चालाकी कि जिस मंदिर में भगवान सूंघ नहीं सकते वहाँ बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती जलाया, और जिस शरीर में स्वयं परमात्मा बैठा है वहाँ बीड़ी और सिगरेट जला दिया। अब परमात्मा भीतर है तो वहाँ बीड़ी जला रहे हैं, और जहाँ परमात्मा नहीं है वहाँ बढ़िया अगरबत्ती जला रहे हैं। जहाँ परमात्मा नहीं है वहाँ आप मेवा मिष्ठान बतासा मिश्री चढ़ा रहे हैं, और जहाँ साक्षात परमात्मा भीतर बैठा है वहाँ आप गुटखा तंबाकू चढ़ा रहे हैं। जहाँ परमात्मा नहीं है उसकी सिर्फ प्रतीति हम करते हैं कि चलो प्रतीक है, एक मूर्ति हमने बनाया उनका स्मरण में, वहाँ हम गंगा जल और दूध चढ़ाते हैं, और जहाँ साक्षात परमात्मा बैठा है वहाँ शराब चढ़ा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं ये हमारी चालाकी कि भगवान बना करके हमने उनको मंदिर बना दिया बाहर गांव के। अक्सर लोग गांव के किनारे में मंदिर बना लेते हैं, कहीं बीच में भी होता है, और वहां भगवान की मूर्तियां बना दी, आराम से धूप दीप अगरबत्ती सुबह शाम जला दिए गए, घंटी बजा दी गई, और बाकी समय ताले लगा दिए गए कि भगवान अब आप यहीं रहिए, आपकी ज़रूरत नहीं है बाहर। ये चालाकी की आदमी ने। भगवान का मंदिर बनाने का मतलब ही है कि भगवान आपकी आवश्यकता घर में नहीं है, आप मंदिर में रहिए। ऐसे ही एक बार कृष्ण जन्माष्टमी का समय था, तो जो कृष्ण भक्त थे ज़्यादातर मारवाड़ी उनके भक्त होते हैं, तो उन लोग ने उनका मंदिर बनाया और पूजा अर्चन करते थे वंदन करते थे। तो जब जन्माष्टमी का समय आया तो मंदिर बढ़िया से सजाया गया, चारों तरफ लाइटें लगाई गई, पूरा हर्षोल्लास का वातावरण है, और जो मंदिर का मेन पुजारी है वो मस्त पूजा की तैयारी में है, चढ़ावा चढ़ रहा है, मनमगन है कि चलो भगवान के नाम पर ढेर सारे लड्डुएं मेवा मिष्ठान धन दौलत चढ़ रहे हैं, मस्ती में है। श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे भक्त कितने श्रद्धा से हमारी पूजा करते हैं, जन्माष्टमी है मेरा जन्मदिन है, मैं धरती पर नहीं हूँ फिर भी लोग इतना बढ़िया से मना रहे हैं, यदि मैं स्वयं चला जाऊँ तो कितना आनंद आएगा लोगों को, मेरी अनुपस्थिति में अगर मेरी इतनी पूजा हो रही है, मेरे लिए इतना साज सज्जा हो रहा है, अगर मैं साक्षात चला जाऊं तो पुजारी तो नाच उठेगा, मंदिर के लोग तो खुशी से झूम उठेंगे। यह सोचकर कृष्ण जी पहुंच गए मंदिर के गेट के बाहर,
तो गेट के बाहर जो द्वारपाल खड़ा था दरवान, उसने कहा कि ए कहाँ जा रहा है? उसने कहा देखता नहीं मैं कृष्ण हूँ, अंदर जा रहा हूँ, मेरा ही सब हो रहा है। कहा मजाक करता है, लगता है किसी नाटक से भाग कर आया है बहुरूपी, निकल। श्री कृष्ण ने कहा ये मुझे पहचानता नहीं, मेरी ही पूजा है, मेरा ही मंदिर है, मुझे ही बहुरूपिया कह रहा है। कृष्ण ने सोचा ये द्वारपाल है, इसको क्या पता है, तो द्वारपाल का नौकरी कर रहा है, यह मुझे नहीं जानता हूँ। फिर भी जैसे तैसे बहाना करके घुस गए अंदर। अब अंदर घुसे तो देखते हैं चारों तरफ क्या मजे का तैयारी है, लाइटें लगी है, भजन बजाए जा रहे हैं, नृत्य चल रहे हैं, श्री कृष्ण के भजनों पर लोग उत्साह से नाच रहे हैं। सोचा ये लोग भी मुझे देखकर नहीं पहचान रहे हैं, मामला क्या है, मेरी मूर्ति पर तो सिर झुका रहे हैं, मुझे पहचान ही नहीं रहे, मामला क्या है। फिर सोचा पुजारी मेरी पूजा दिन रात करता है, वो तो पहचान ही लेगा। तभी नजर पड़ गई एकदम सामने मंदिर से पुजारी चला आ रहा है, बड़ा बड़ा पेट, अगल बगल दो चार चेले खड़े हैं, छाता लगाए, बढ़िया हाथ जोड़े, जय जयकार करते। कृष्ण सोचते हैं ये आदमी तो पहचान जाएगा, ये मेरा पुजारी है, ये रोज मेरे मूर्ति पर नाक रगड़ता है, ये जान लेगा। जैसे ही कृष्ण जी सामने खड़े हुए, झट से पुजारी कहता है अरे ये बहुरूपिया कहाँ से आ गया, तुम लोग कैसे आने दे दिया इसको। कृष्ण को बड़ी हैरानी हुई, कहा ये आदमी भी नहीं पहचाना जो सबसे करीबी से मेरी पूजा करता है, जो सबसे निकट रह करके मेरी पूजा कर रहा है, दर्शन कर रहा है, मेरे ही नाम पर ये सब कुछ, ये इतना बड़ा तैयारी कर रहा है, ये भी नहीं जाना। उसने कृष्ण जी ने कहा अरे भाई गजब बात है, तुम भी नहीं पहचाना, मैं कृष्ण हूँ। कहा तुम जैसे बहुरूपिये मैंने बहुत नौटंकी में देखे, मजाक मत करो, निकलो यहाँ से। कृष्ण ने कहा पहचान नहीं रहे हो, मैं ही कृष्ण हूँ। पुजारी ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, अपने चेलों से कहा पकड़ो इसको, बंद करो मंदिर के किस पीछे कमरे में। उठाया सब कंधे पर ले जाके बंद कर दिया, ताला मार दिया, मार दिया। उसके बाद बढ़िया से तैयारी हुई, भजन गाए गए, प्रसाद बांटे गए, खूब चढ़ावा चढ़ा, मस्त सारे कार्यक्रम संपन्न हो गए। आधी रात को पुजारी गया कमरे में और दरवाजा खोल करके श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया, कहा प्रभु माफ करना। कृष्ण जी ने कहा दिन में तो नहीं पहचान रहे थे, अभी कैसे पहचान गया? कहा पहचान लिए थे उसी समय, लेकिन अब चेलों के बीच में कहते कि आप ही भगवान है, तो मुझे छोड़कर सब आप ही की पूजा में लग जाते, फिर तो मेरा ही भट्ठा बैठ जाता, मेरे पेट पर लात पड़ जाती, इसलिए अब आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आप ठीक हैं जहाँ हैं, हम आपके नाम पर यहाँ बढ़िया धंधा चला रहे हैं, हमारा व्यापार मस्त चल रहा है, आपकी जरूरत नहीं है, आप दोबारा कभी मत आ जाना, यही निवेदन है, चले जाओ। तो जो कृष्ण के नाम पर पाखंड चल रहा है, वे लोग भी नहीं चाहते कृष्ण जीवन में आ जाएं, क्योंकि कृष्ण जीवन में आ गए मतलब हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, प्रेम हमारे जीवन में आ जाएगा, समग्र सृष्टि के प्रति दया का भाव आ जाएगा और राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्य का भाव आ जाएगा। जब प्रेम की बात हो तो कृष्ण प्रेम में भी आगे हैं, और समाज राष्ट्र और मानवता की रक्षा की बात हो तो वहां अनुशासक की भांति भी खड़े हो जाते हैं चक्र लेकर। ये संदेश कृष्ण देते हैं, यही बात बुद्ध के लिए है, वे करुणा के मिसाल हैं, वो अपनी करुणा से समग्र सृष्टि को प्रकंपित कर रहे हैं, हृदय में एक करुणा के भाव जागृत कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर क्या हो रहा है? जितने भी अधिकांश बौद्ध साधु हैं मांसाहार करते हैं। कुछ दिन पहले मैं श्रावस्ती में था, हमारे धीरेंद्र साहब भी साथ थे, तो जब मैं वहां गया देखा तो अधिकांश बौद्ध साधु गुटखा खाए हुए पाए गए, तंबाकू खा रहे हैं, कोई गुटखा खा रहे हैं, अब मांसाहार तो करते ही होंगे। मैं हैरान हुआ कि बुद्ध के अनुयायी गुटखा खा रहे हैं, और ये गुटखा और तंबाकू बीड़ी का प्रचलन कबीरपंथियों में भी है, बुद्धों में बस नहीं है, और ये हमारा दुर्भाग्य है। ये मैंने जो शुरू में कहा कि धर्म को हमने कालखंड में लिया कि चलो हम थोड़े देर के लिए धार्मिक हो जाते हैं, जब बुद्ध के मूर्ति के सामने गए धार्मिक हो गए, जब सदगुरु कबीर के सत्संग में गए धार्मिक हो गए, एक आदमी सत्संग में आया और वो कोना में किनारे में बैठकर कोने में बीड़ी जलाया, संत ने कहा भैया कम से कम सत्संग की तो मर्यादा करो, बीड़ी क्यों पीते हो।
वो झट से निकल के कमरे के बाहर चला गया, वहां पीने लगा। का तुमको मना किया गया? कहा आपकी बात मान लिए, सत्संग भवन में नहीं पी रहे हैं, बाहर पी रहे हैं। कहा मतलब यह है कि बीड़ी गलत है, तुम कहीं भी पियो, पर वो सत्संग भवन में आया तो सत्संगी बन गया, घर में गया तो गृहस्थी बन गया, बाजार में गया तो बाजारू बन गया, शराब के दुकान पर गया तो शराबी बन गया, जुए के अड्डे पर गया तो जुआरी बन गया, मंदिर गया तो पुजारी बन गया। साहब कहते हैं ये ना समझी के सिवा कुछ भी नहीं है। धर्म को कालखंड में मत विभक्त करना, धर्म तो 2400 घंटे जीने की साधना है, प्रक्रिया है। जब आपका मन निर्मल हो, आपका वचन निर्मल हो, आपका कर्म निर्मल हो, आपकी आंखें पवित्र हो। लेकिन हम अभक्ष खाए चले जा रहे हैं, आज हमारा पूरा समाज नशा में डूबा। ये अलग बात है कि धार्मिक हुए लोग भी कहीं मंदिर दिख जाए तो हाथ वो भी जोड़ लेते हैं, लेकिन शराब छूट नहीं सकती। शराब पिएंगे, नशा करेंगे, मांस खाएंगे। आप स्वयं से जरा पूछिए तो कि ये किस लिए। कई लोग कहते हैं क्या करें, हम आदत से लाचार हैं, छूट नहीं सकता। अब संकल्प लेने से हम बुराई छोड़ सकते हैं, लेकिन हम छोड़ना भी तो नहीं चाहते हैं। कोई संत अगर ज्ञान की बात करें, नशा दुर्व्यसन छोड़ने की बात करें, तो जो नशा करने वाले लोग हैं दूर से भड़क जाते हैं, गए वहां क्या जाना। अब जब आप आएंगे ही नहीं, आपको प्यास भी लगी है और कुआं पर आप जाना भी नहीं चाहते हैं, तो कुआं चल के थोड़े जाएंगे। संत आपके गांव नगर द्वार में आ गए, आपके मोबाइल तक आ गए, आप सुनना ही नहीं चाहते, तो जीवन की बुराई मिटेगी कैसे, जीवन की समस्याएं मिटेगी कैसे। संत तो निरंतर ज्ञान की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तमाम संतों के श्रीमुख से आप ज्ञान सुनते रहते हैं। जरूरत है उस ज्ञान को जीवन में उतारने की। अगर हम सुनेंगे तो बुराइयों से मुक्ति पा लेंगे, हम सुन करके मनन करेंगे तो नशा दुर्व्यसन से मुक्ति पा लेंगे।